सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लेकर चल रहे हैं। अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं, अटल आवासीय विद्यालय जहां पर श्रमिकों के बच्चों को अत्याधुनिक उत्तम शिक्षा का एक आवासीय केंद्र होगा, जहां पर पठन पाठन के साथ साथ तकनीक के साथ साथ उन बच्चों को स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट के साथ भी आगे बढ़ाने का कार्य होगा। एक बड़ा अभियान जोड़ने का प्रयास, और इस अभियान के साथ जोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये 18 आवासीय विद्यालय जब बनेंगे तो श्रमिकों के बच्चों को तो यहां पे पढ़ाने की व्यवस्था रहेगी ही रहेगी, लेकिन साथ साथ कोरोना कालखंड में जो बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावक को, लीगल गार्जियन को खोया है, माता पिता को खोया है, उन बच्चों को भी वहां पे पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार के स्तर पर खड़ा किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर सभी 18 कमिश्नरी में वर्तमान में 18 आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। श्रमिकों के बच्चों को उनके शादी ब्याह के साथ साथ उनके पढ़ाई के लिए अलग अलग स्तर पर इससे पहले स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती थी। आज श्रम विभाग तमाम बच्चे मेडिकल के क्षेत्र में गए हैं, कोई MBBS की पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चा IIT में भर्ती होकर के वहां पर पढ़ाई कर रहा है, कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के तकनीक की शिक्षा ले रहा है, उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में इन बच्चों ने प्रवेश लिया है, और इनके फीस की व्यवस्था भी श्रम विभाग करता है। अन्य स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। श्रमिकों के परिवार के बच्चों के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, और यही नहीं, राज्य सरकार ने एक व्यवस्था की है, केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है कि श्रमिक कोई भी हो, वह निवासी हो, प्रवासी हो, हर एक श्रमिक के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि उस श्रमिक को सरकार या श्रम विभाग, जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड होंगे श्रम विभाग के माध्यम से, और जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे उन्हें राज्य सरकार के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की व्यवस्था, 5 लाख रुपए की हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर उन्हें प्रदान करने की व्यवस्था। केंद्र और प्रदेश सरकार तो दे ही रही है, श्रम विभाग भी अपने रजिस्टर्ड श्रमिकों की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से भी आज हमारा श्रमिक कहीं भी होगा, वह गाजियाबाद में हो, अगर वह गाजीपुर का है और गाजियाबाद में काम कर रहा है, वह अपने राशन कार्ड से अपना खाद्यान्न गाजियाबाद में भी ले सकता है, कोई रोक टोक नहीं। अगर गाजियाबाद का श्रमिक चेन्नई या मुंबई में है तो वह गाजियाबाद में बने हुए राशन कार्ड से चेन्नई और मुंबई में भी राशन की सुविधा प्राप्त कर सकता है। ये नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, और कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। ये तमाम प्रकार की योजनाएं आज जो लागू की जा रही हैं, ये श्रमिकों के उत्थान के साथ साथ वर्तमान में हम सब जान रहे हैं कोरोना महामारी के दंश से पूरी दुनिया पस्त है, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कोरोना कालखंड में जीवन और जीविका को बचाने का कार्य किया। याद करिए, पहले जनता कर्फ्यू पूरे देश की एकता का प्रतीक बना था, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैसे एक एक कदम उठाए, लॉकडाउन के माध्यम से हर एक किसी भी नागरिक को समस्या ना हो, प्रधानमंत्री अन्न योजना, जनधन अकाउंट धारी हर एक खातेदार के खाते में स्पेशल पैसे की व्यवस्था करना, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिलाओं के खाते में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाना, किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों को भी अतिरिक्त धनराशि देना, राज्य सरकार ने हर श्रमिक को कोरोना कालखंड में जब भी लॉकडाउन लगा या जब भी आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया,
उस दौरान उन्हें भरण पोषण की भत्ता की व्यवस्था और फ्री में राशन की व्यवस्था भी कराई। 2020 में 8 महीनों तक, 2021 में 7 महीने तक हर एक व्यक्ति को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। और भाइयों बहनों, आज उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में मई से लेकर के नवंबर तक, यानी होली से दीपावली तक, मुफ्त में राशन हर एक गरीब को देने की जो व्यवस्था की राज्य सरकार ने, उसी का अनुपालन करते हुए व्यवस्था की कि दीपावली से लेकर के होली तक राज्य सरकार हर एक व्यक्ति को फ्री में राशन देगी। राशन के साथ साथ 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक और अंत्योदय परिवार के लोगों को 1 किलो चीनी भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। ये सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा है और यही कारण है फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न की योजना और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन के लक्ष्य को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज पूरे उसके साथ इसे प्राप्त किया है। और उन सभी कार्यक्रमों को हम लोगों को कैसे, इन चीजों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यह सभी कार्य आज वहां देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। उत्तर प्रदेश ने कल 14 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीन दे दिया है। यहां पर हमारे तमाम हजारों की संख्या में श्रमिक परिवार, उनके परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, श्रम विभाग से जुड़े हुए तमाम अन्य लोग उपस्थित हुए हैं। मेरे इन सब से अनुरोध होगा कि आप सभी लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, ये फ्री में वैक्सीन है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से फ्री में वैक्सीन है, आप वैक्सीन जरूर लीजिए। इस महामारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है, हमें एक सुरक्षा कवच देता है, हमें वैक्सीन जरूर ले। और उस वैक्सीन को जहां भी आपके नजदीक के सेंटर हैं, उस नजदीक के सेंटर में जाकर के अगर हम वैक्सीन लेंगे तो सचमुच कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। और मैं इसीलिए आप सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा कि यह कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सभी को, जब गाजियाबाद में कार्यक्रम चल रहा है तो मैं आज वहां पे सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम चल रहा है। ये लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर, इन सब की योजना का हिस्सा है। और मेरा इन सब से अनुरोध होगा कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग कार्य की गुणवत्ता और कार्य की समयबद्धता का ध्यान रखते हुए इन सभी कार्यक्रमों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं 2306 जोड़े सामिक विवाह के एक साथ संपन्न होने के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। देवोत्थान एकादशी के दिन इस प्रकार का पावन आयोजन अत्यंत सराहनीय प्रयास है। सोचा था कि हम धार्मिक यात्रा चलाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।